नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। देश में कोरोना के मामले 50 लाख के पार पहुंचे। अब तक 82,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश मूर्तिकार भी संकट में, जीविका के लिए कर रहे हैं जद्दोजहद। देश में कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी, केंद्र से तत्काल कदम उठाने की मांग। वर्ल्ड वॉर 2, कहां खड़ा था भारत। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 16 सितंबर सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 90,123 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 1,290 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें 515 मरीजों की मौत अकेले महाराष्ट्र में हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 82,961 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है। देश भर में कोरोना के मामलों की संख्या 50,20,359 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश का रिकवरी रेट बढ़कर 78.52% हो गया है, यानी कुल संक्रमित मरीजों में से 39,42,360 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। लेकिन कोरोना से अब तक 82,066 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 9,95,933 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 5,94,29,115 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 11,16,842 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। मूर्तियों का निर्माण करने वाले शिल्पकार दशहरे तक मूर्तियों की बिक्री कर सके, इसके लिए वह मार्च महीने से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। मूर्ति निर्माण के लिए मिट्टी, पुआल, बांस की जरूरत पड़ती है, जिनका मूर्तिकार मार्च महीने में ही भंडारण शुरू कर देते हैं। 22 मार्च को ही लॉकडाउन हो जाने के कारण इस बार मूर्तिकारों को मिट्टी लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मूर्तिकार अवधेश प्रजापति बताते हैं, लॉकडाउन के दौरान मिट्टी गिराने के लिए प्रशासन से अनुमति हेतु महीनों हम DM कार्यालय का चक्कर लगाते रहे। मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा, फिर DM के निर्देश पर हम लोगों ने SDM से मुलाकात की, तब जाकर प्रशासन ने मिट्टी गिराने की अनुमति मिली, वह भी केवल 3 दिनों के लिए। जो इन 3 दिनों में पैसे का इंतजाम नहीं कर सके, उन्हें मिट्टी नहीं मिल सकी। कुम्हार टोले में कुम्हार परिवार के 200 परिवार रहते हैं, जो 4 पीढ़ियों से इस पेशे से जुड़े हुए हैं। मिट्टी के बर्तनों की बिक्री लगभग बंद हो चुकी है और मूर्तियों के ग्राहक में भी भारी कमी देखने को मिल रही है। नतीजा, संतोष की तरह कई मूर्तिकार परिवार पालने के लिए मजदूरी करने को भी मजबूर हो गए हैं। मूर्तिकारों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में व्यवसाय 90% की गिरावट आई है। दशहरा के नजदीक आने के साथ साथ इस क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरों की बड़ी आबादी शिफ्ट हो जाती है। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं। इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी मरीजों के लिए जानलेवा बन रही है। अभी 2 दिन पहले की खबर थी कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन न मिलने से 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। गुजरात में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को एक दूसरे अस्पताल में भेजा जा रहा है। वहीं लॉकडाउन में किल्लत शुरू होने के बाद UP, पंजाब, दिल्ली व छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों में कालाबाजारी के मामले सामने आए हैं। केंद्र का दावा है कि देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। 1939 में जब युद्ध शुरू हुआ था तो भारत एक आजाद देश नहीं था। ऐसे में भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से विश्व युद्ध लड़ रहे थे। इतिहास के पन्ने के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सेनाओं और उस समय की राजनीति पर बात कर रहे हैं। द्वितीय विश्व महायुद्ध या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 20th सेंचुरी की एक ऐसी इवेंट है जिसके बारे में भारत में एक ब्लैंक स्पॉट जैसा है। मोटे तौर पर सबको पता है क्या हुआ था, लेकिन भारत का इससे क्या लेना देना, इसके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है लोगों का। कारण सिंपल है, माना जाता है कि क्योंकि हिंदुस्तान उस समय आजाद नहीं था, दैट वॉर वॉज नॉट आवर्स। अंग्रेज सरकार को सितंबर 1939 में जब युद्ध शुरू हुआ था, उस समय हमारे नेशनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए कोई उत्साह या अर्जेंसी नहीं थी। इसी वजह से हमारे नेशनल मूवमेंट के जो वैनगार्ड फोर्सेस थे, खासतौर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं का, इनका युद्ध में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही।
लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समकालीन युग में समझना बहुत जरूरी है। अगर ग्लोबली देखें तो देर इज नो डाउट दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज अनडाउटेडली द मोस्ट फंडामेंटल ग्लोबल इवेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। इवन टूडे पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिक consequences are still arising out of the Second World War. The global order, hierarchy of nations in the United Nations, all this were arranged after the Second World War. Furthermore, the system of permanence for just 5 nations in the world in the UN Security Council was as a result of the way the war ended. ज्यादातर मुल्क सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अपने देश के इतिहास में डिफाइनिंग एपिसोड के तौर पर देखते हैं। यहां तक कि चाइना ने भी अपने लिस्ट ऑफ नेशनल हॉलीडेज में सितंबर 3 को या 3 को बहुत रिसेंटली ऐड कर दिया है। ये वो दिन है जब जापानीज आर्मी इन द कंट्री फॉर्मली सरेंडर्ड टू द चाइनीज गवर्नमेंट। चाइनीज सरकार ने सितंबर 3 को विक्ट्री डे के तौर पर मनाना सिर्फ 2000 से शुरू किया। उससे पहले नहीं होता था चाइना में इसका सेलिब्रेशन। 6 साल से ज्यादा चलने वाला ये युद्ध, द्वितीय विश्व महायुद्ध का विक्ट्री डे यूरोप या अमेरिका में 8 मई को मनाया जाता है। ये वो दिन था जब हिटलर के सुइसाइड के बाद जर्मनी के सरकार ने एलाइड फोर्सेस को सरेंडर किया, लेकिन एक्ट ऑफ मिलिट्री सरेंडर 8 मई 1945 को साइन करते करते रात के 11 से ज्यादा बज चुके थे। उस वक्त मॉस्को में रात के 12 बजे से ज्यादा समय हो चुका था। इसीलिए रशिया वीडे जो है 9 मई को हर साल मनाता है, एक परेड निकालती है। कई और देश, खास तौर से जो एशियन कंट्रीज हैं, वहां 15 अगस्त को वी डे मनाया जाता है। ये वो दिन था जब जापानी सम्राट एम्परर हिरोहितो, उन्होंने जापान के अनकंडीशनल सरेंडर का डिक्लेरेशन किया था। अगस्त 15 इज सिंस देन कॉमेमोरेटेड इन मेनी कंट्रीज एज अ विक्ट्री ओवर जापान और VJ Day, but the official surrender documents were not signed until the 2nd of September 1945, which is considered to be the VJ Day in the United States of America. और अब चीन 3rd September को अपना V-Day मनाता है। एक ही एपिसोड, एक ही घटना, end of Second World War, लेकिन अलग अलग देश अलग अलग दिन उसको कॉमेमोरेट करते हैं, परंतु हिंदुस्तान में कोई ऑफिशियल कॉमेमोरेशन नहीं होता है। हमारे नेता दूसरे देशों के कॉमेमोरेशंस में शामिल होते हैं, जैसा कि इस साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को गए थे 75th एनिवर्सरी ऑफ द वी डे को सेलिब्रेट करने, उसमें उस परेड में शामिल होने के लिए। नाउ आई एम नॉट आर्ग्यूइंग इन एनी वे दैट लाइक अदर नेशंस वी टू मस्ट कास्ट दिस कॉमेमोरेशन इन अ वेरी नेशनलिस्टिक मोल्ड, परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन पार्टिसिपेशन के बारे में अपनी अवेयरनेस हम लोगों को जरूर से कुछ बढ़ानी चाहिए। पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे 2019 में जो 80th एनिवर्सरी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया था, या फिर अभी जो 75th एनिवर्सरी ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो कई सारे स्कॉलर्स ने बहुत अच्छे हिस्टोरिकली साउंड किताबें लिखी। दीज इंक्लूडेड बुक्स बाय श्रीनाथ राघवन, यास्मीन खान, रघु कर्नाड एंड K.S. नायर। ज्यादातर इन किताबों में इंडियंस का मिलिट्री रोल और उनके बहादुरी के एपिसोड्स के बारे में डिटेल्स दिए गए। कुछ एम्फेसिस इस बात पर भी रही
कि शायद द प्रोसेस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज हेसेंड बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कुछ एक्सट्रीमली रेलेवेंट फैक्ट्स इन स्कॉलर्स ने एस्टैब्लिश किए, जैसे वॉर की नेसेसिटी थी भारत के इकोनॉमिक विकास होना अनिवार्य था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, एमर्जेंस ऑफ अ न्यू मिडिल क्लास वेर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस पॉजिटिव फॉलोआउट। इंडियन मिलिट्री फोर्सेस की ट्रेनिंग, बंदरगाहों का डेवलपमेंट और हवाई अड्डों का विकास होना ऑल्सो बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। युद्ध के पहले हिंदुस्तान में बस गिने चुने एयरपोर्ट्स थी। बाय द टाइम जब वॉर खत्म हुआ तब तक 200 से ज्यादा एयरपोर्ट्स थे। अभी भी मोस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया हैव द लेगेसी डेटिंग बैक टू द सेकेंड वर्ल्ड। फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑचिनलेक ने हिंदुस्तान में बहुत वक्त बिताया और युद्ध के समय कमांडर इन चीफ भी थे भारतीय सेना के। उन्होंने कहा था, द ब्रिटिश कुडंट हैव कम थ्रू बोथ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड इट नॉट बीन फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ब्रिटिश कॉमेंटेटर साइमन विंचेस्टर ने लिखा था that one of the best known memorials to the fallen of the Second World War is also very sadly among the least visited. ये नागालैंड के कोहिमा शहर में है। एपिटाफ में लिखा चार पंक्तियां बहुत ही मार्मिक हैं। When you go home, tell them of us and say for your tomorrow we gave our today. विंचेस्टर ने आगे लिखा, वेयर इज होम, हु इज देम, हु इज अस। युद्ध में तो मृत्यु होती ही है दोनों साइड्स में, परंतु ब्रिटेन ने उन भारतीयों के सैक्रिफाइस को ड्यूली रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया है? बेसिक आंकड़े क्या कहते हैं? 1939 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की संख्या 2,00,000 से भी कम थी। युद्ध खत्म जब हुआ तब ये नंबर 20,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। लगभग 90,000 भारतीय सैनिक कभी भी लौट के नहीं आए। As many as 17 soldiers of the British Indian Armed Forces were awarded Victoria Crosses in the Second World War. ये तो बस ऑफिशियली जो सैनिक थे, लाखों हिंदुस्तानी पर्दे के पीछे एंसिलरी सर्विसेज में डिप्लॉयड थे। ये नॉन कॉम्बैटेंट्स जो रसोइये थे, दर्जी थे, धोबी थे, मैकेनिक्स, यहां तक कि मोची भी। एरिट्रिया में अगर आप में से कभी कोई जाए तो वहां अवश्य वक्त निकालकर गफूर नाम के एक भारतीय के कब्र पर जरूर जाइएगा। गफूर के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन सिर्फ इतना पता था कि उनकी मृत्यु, वो मोची थे और उनका काम था सैनिकों का जूता साफ करना और रिपेयर करना। उनकी मृत्यु बैटल ऑफ केरन में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि दीज इंडियंस आर नॉट रिमेंबर्ड ऑन मोस्ट ओकेजंस बिकॉज दे फॉट अ वॉर दैट वाज नॉट ऑफ देयर ओन नेशन, दैट दे जॉइंड द ब्रिटिश आर्म फोर्सेस ओनली बिकॉज ऑफ द वेजेस दैट दे रिसीव्ड एंड दैट इन अ वे दे वर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम पेड मर्सिनरीज। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।